रहता है। देखो बच्चा, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, वो पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोलता हूं रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। भाई देखो, सिंपल सी भाषा में आपको बातें बताता हूं। मान लो आपके घर के बिल्कुल नजदीक से एक वायर जा रहा है, करंट कैरिंग वायर है, वो खंबे वाले वायर है, आपके घर के बिल्कुल सामने से जा रहा है। आप उस वायर के नजदीक अपना हाथ लेके जाओ तो कुछ दूर पहले ही वो आपके हाथ को अट्रैक्ट कर लेगा ना। तो यानी कि उस वायर के चारों ओर कोई ना कोई रीजन है जिसमें हम उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दैट रीजन और स्पेस अराउंड दैट चार्ज ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। गुड मॉर्निंग हरजोन, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब देखो बच्चा, हमने क्या लिखा, छोटी सी बात हमने लिख दी कि सर जी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ना, तो हम बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते। हम कहते हैं कि सर ये है रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी चार्ज्ड का मतलब होता है इसके पास एक्सेस में चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, चार्ज तो वही होता है मेरे ख्याल से ना। हाँ, तो रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस्ड। देखो बच्चा, अब हम इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। देखो, मान लो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बात कहनी थी तो आपने सिंपल भाषा में बातें करी, आपने कहा सर चार्ज ऑब्जेक्ट की चारों ओर की जगह। ठीक है। देखो बच्चा, मैं आपको क्लियर बात बता दूं कि अब भी मैं स्टैटिक चार्जेस से ही डील कर रहा हूं। कहीं आप ये सोचो कि सर जी अब चार्जेस को मोशन में लेके आ गए आप, ना, मैं मोशन में लेके नहीं आया। मैं तो यही बात कह रहा हूं कि मेरे पास ये एक रोड है, ये देखो ये मैंने रोड बनाई है और मैं कहता हूं इस रोड के पास एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट चार्ज इज स्टैटिक चार्ज बिकॉज आई एम गोइंग टू डील विद द स्टैटिक चार्जेस Not with the charges in motion. और आप जब चार्ज मोशन में आता है तब उसके पास कोई एक कॉन्सेप्ट थोड़ी ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो मुझे तो केवल इलेक्ट्रिक के साथ डील करना है, मुझे केवल और केवल स्टैटिक चार्ज के साथ डील करना है। देखो बच्चों, मैंने कहा कि मेरे पास ये एक रोड है जो चार्ज है और चार्ज रोड के चारों ओर कुछ ना कुछ जगह है जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता हूं। मतलब उसके चारों ओर कुछ ना कुछ जगह है। ठीक है ना। ये देखो, मैंने उसके चारों ओर कुछ ना कुछ जगह दिखा दी, जो जगह किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो भाई बच्चा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, देखो एक सिंपल सी जनरल सी बात करता हूं, एक हाई वोल्टेज वाली लाइन आपने देखी होगी जो हमारे मतलब खेतों वेतों से होकर गुजरती होती है, हाई वोल्टेज वाली लाइन। हाई वोल्टेज वाली लाइन में क्या होता है कि देखो मेरे पास बच्चे ने मैसेज भेजा है कि सर टुडे यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास। बताओ बताओ
मेरे पास खतरनाक बच्चे हैं। हैं? देखो बेटा, हाई वोल्टेज वाली लाइन तो आपने देखी होगी, बिल्कुल देखी है। तो हाई वोल्टेज वाली लाइन होती है एक, वो होती है जो हमारे घरों में ऑर्डिनरी जो आती होती है। तो उसमें क्या फर्क होता है कि उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है यहाँ पे? स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? मतलब स्ट्रेंथ की आपने बात कर दी, तो स्ट्रेंथ वर्ड लिख देता हूं मैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल रखता हूं अपना, और बड़ा ही पेटेंट एग्जाम्पल है मेरा, मैं चेंज भी नहीं करता इस बात को। कि मान लो कि बारिश का टाइम है, और बारिश के टाइम में एक दीवार हमारे घर की गिल्ली हो चुकी है, और उस गिल्ली दीवार में करंट आ चुका है, और आपने बाय द वे उस दीवार को टच कर लिया, और जैसे आपने टच किया आपको शॉक लगा, आप भागे भागे मम्मा के पास गए, मम्मा को आपने कहा कि मम्मी उस दीवार को आप टच मत करना, उस दीवार में करंट है। यानी कि मैं कहूंगा उस सिचुएशन में आप उस दीवार में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी ताकत को टेस्ट करके आए हो। दैट मीन्स यू आर ए टेस्टर, है ना? आप टेस्ट करके आए हो। अब मम्मा का क्वेश्चन क्या होता है सुनो, मम्मा पूछती है कि बेटा दीवार में करंट ज्यादा है कि कम है? तो आप कहते हो कि नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, कम ही है। मतलब आपको पता है ना उसकी इंटेंसिटी का, मतलब आपको पता है ना उसकी स्ट्रेंथ का, है ना? यानी कि आपको उसकी स्ट्रेंथ का पता है, आप मेजर करके आए हो। अब देखो सुनो, आप भी तो एक चार्ज पार्टिकल हो। मैं अगर आपको कहूं कि आपके अंदर चार्ज है तो मेरा ये बात गलत नहीं है, आपके अंदर चार्ज है, लेकिन चार्ज नेग्लिजिबल है, ना के समान है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जीरो चार्ज है। जीरो चार्ज होने का मतलब है हम स्वाहा हो चुके हैं, ठीक है? अब हमारे अंदर चार्ज होता है, चार्ज कहाँ होता है? हिमोग्लोबिन जो होता है, हमारा ब्लड का जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिमोग्लोबिन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ओके? यानी कि वही चार्ज पार्टिकल हमारे पूरे ब्लड में मूव करता है। जैसे कि मान लो मैं थप्पड़ मारता हूं, मैंने किसी बच्चे के गाल पे थप्पड़ मारा खींच के, जो जैसे मैंने थप्पड़ मारा पार्टिकल्स को क्या हुआ, धक्का लगा, फोर्स लगी। अब पार्टिकल्स एकदम से भागेंगे। अब चार्ज पार्टिकल जब एकदम से भागता है तो क्या बनता है, करंट बनता है, और करंट के कारण क्या लगता है, शोक लगता है, तभी आपको दर्द होता है कि नहीं? सोच के देखो, आज सोचा होगा ना आपने ये बात कि थप्पड़ मारने से हमें दर्द क्यों होता है बाबूजी, हैं? सोचा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, यानी कि वहां पे भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस है। अब देखो बच्चा, मेरा जो अल्टीमेट जो बात है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात ये है कि जब आप को किसी फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करना है ना, तो एक टेस्टर की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। अब टेस्टर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि दो पहलवान लड़ाई कर रहे हैं। अब दो पहलवान अगर लड़ाई कर रहे हैं, मैंने एक पहलवान से पूछा लड़ाई होने के बाद कि जी, ठीक है, मैंने पूछा कि जी आप ये बताओ वो पहला पहलवान कितना तकड़ा है, तो वो कहेगा सर जी कोई तकड़ा नहीं है, वो पहलवान उसने ना डब्बे खा खा के शरीर बना रखा है। मैंने कहा अच्छा, कहता हाँ। मैंने दूसरे से पूछा, मैंने कहा कितना तकड़ा है, उसने कहा कि यार क्या तकड़ा है यार, यूं ही दिखता है वो तो तकड़ा, मैंने उसको फेंक दिया देखो, है ना? लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता पाए वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ को। अब मैं एक मरा सा आदमी लेके आया और उस मरे से आदमी को मैंने उससे भिड़ा दिया। अब जैसे ही मरा सा आदमी उसके सामने आता है, पहलवान ने उसको उठा के फेंक दिया बाहर, जाके गिरा। अब मैंने उस मरे से आदमी को जाके पूछा कि भाई कितना ताकतवर है, वो कहता भाई बहुत ताकतवर है, मतलब उसने एग्जैक्टली मेजर कर लिया ना। तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू यूज टू चार्जेस,
ठीक है, हमें यहाँ पे दो चार्ज यूज करने, एक बहुत ज्यादा बड़ा और दूसरा बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, कितना छोटा? इतना छोटा कि उसकी वैल्यू कम से कम हो। चार्ज की वैल्यू क्या हो? कम से कम, एज स्मॉल एज पॉसिबल। यानी कि यहाँ पे मैं दो चार्ज लेने वाला हूं बच्चा पार्टी, एक लेने वाला हूं बड़ा चार्ज जिसको मैं बोलता हूं सोर्स चार्ज, और एक लेने वाला हूं मैं टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक बड़ा चार्ज आया है और दूसरा एक बिल्कुल छोटा सा चार्ज आपके सामने आया, ये देखो मरा सा बेचारा। ठीक है, अब देखो बच्चा लोग कि इन दोनों के चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग फोर्सेस लगती होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग फोर्सेस लगती होती है। ठीक है, तो ये मान लिया आपने बड़ा चार्ज, चलो ठीक है जी, आपने कहा जी इसका मैग्नीट्यूड है क्यू, और ये है जी छोटा चार्ज, ये है जी क्यू नॉट, इसको भी आप पॉजिटिव ले रहे हैं और बिल्कुल स्मॉल ले रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल, ये भी पॉजिटिव है जी। पॉजिटिव लेने का रीजन यही होता है कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जिस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ना, जो डायरेक्शन फोर्स की बनेगी, मान लीजिए ये है आपके पास, इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा, बहुत ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाते, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। जो डायरेक्शन फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स की बनेगी, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स की वही डायरेक्शन बनेगी। ठीक है भाई, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स की बनेगी, ये बात याद रखना बच्चा लोग। ठीक है ना, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। अब बताओ मुझे फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? बेचारा क्यू नोट लगा कौन रहा है? क्यू। आप सिचुएशन देखो, सिचुएशन क्या कहती है कि चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट क्या टेस्ट चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चा लोग? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है कैसी? जिसकी डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। अब अगर मैं आपसे सिंपल सी भाषा में पूछूं कि अगर इन दोनों के बीच सेपरेशन आ रहा है तो फोर्स कितना होगा, तो आप कहोगे सर फोर्स निकालना बहुत इजी है इन दोनों के बीच में, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन की जगह है क्यू, क्यू टू की जगह है क्यू नॉट, डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। और आपको पता है आर वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन। यहां से डायरेक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई, वो क्या आ गई? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं तो रखते ही मेरे पास एफ इज इक्वल टू बन जाता है के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर की क्यूब इंटू आर वेक्टर, आर वेक्टर। देखो बच्चा लोग, अब मेरे को क्या चाहिए? By definition, electric field intensity is force per unit test charge. So, electric field intensity becomes K Q by R की cube into R vector. देखा, ये Q क्या है? Source charge है. यानी कि यहाँ पे source charge का ही role रहने वाला है और बाकी किसी का role नहीं रहेगा, source charge का यहाँ पे बहुत ही अच्छा role रहने वाला है। एक मिनट का time देना बेटा, बेटा मुझे एक मिनट का टाइम देना, एक मिनट मुझे रुकना पड़ेगा।
हाँ जी सॉरी बच्चा, अब देखो बच्चा हमने क्या बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या आया, के क्यू बाई आर की क्यूब इंटू आर वेक्टर। मतलब रोल किसका है यहाँ पे, रोल है बच्चा लोग यहाँ पे केवल और केवल सोर्स चार्ज का। ये बात तो क्लियर हो गई हमें। अच्छा जी अब सुनो मेरी बात, एक सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें क्या लिखनी चाहिए, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बननी चाहिए, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है जी एम वन एल वन टी माइनस टू, चार्ज होता है बेटा करंट इंटू टाइम, याद रखना बच्चा करंट इंटू टाइम, करंट का ए टाइम का टी, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बन गया एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बहुत ही सिंपल बात है बेटा। ये बात बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ज्यादा ऐसी बात नहीं है जिसके आपको रट्टे मारने की जरूरत पड़ेगी। सीधी सी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बिना घुमाए फिराए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसके रट्टे मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखो सुनो, देखो कॉन्सेप्ट कोई भी हो, इसकी एप्लीकेशन जब तक आपको नहीं आती ना, तब तक आप ये मान के चलो आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर नहीं है। मुझे इस फॉर्मूला को देख के एक बात महसूस हुई कि आपने कहा कि सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज। देखो बच्चा इसकी सिंपल बातें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज होती है, उसको हम कैसे उसको डेफिनेशन में लेके आएंगे, यहां इस बात को देख के डेफिनेशन बनाते होते हैं मोस्ट ऑफ। आप कहते हो कि इफ क्यू नॉट बिकम्स इक्वल टू प्लस वन, प्लस वन कूलम, प्लस वन कूलम, अगर Q नॉट की वैल्यू 1 हो जाए तो F इज इक्वल टू E हो जाएगा, E इज इक्वल टू F या F इज इक्वल टू E। तो यहां से इसकी डेफिनेशन आप बनाते होते हो, आप कहते हो कि सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एक बात तो ये होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या है, ऊपर लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नोट को क्या लिखा, यूनिट पॉजिटिव। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मेरी बात समझ गए कि भाई आपने किसी पॉइंट पी पे जाके टेस्ट चार्ज रखा कि नहीं रखा, और उस टेस्ट चार्ज ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स आ रहा ना, किस सिचुएशन में, जब क्यू नोट की वैल्यू प्लस वन कूलम है, क्यू नोट की वैल्यू प्लस वन कूलम को क्या बोलेंगे, यूनिट, ये यूनिट वैल्यू है और पॉजिटिव भी है, यूनिट पॉजिटिव, ये क्या है टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी जब उसको किसी पॉइंट पी पे रखा गया, एंड दैट पॉइंट लाइज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप बातें कितनी भी घुमा सकते हो। अब देखो, अब इस रिजल्ट से मुझे ना एक बात ही नहीं पता चली, दूसरी बात भी पता चली। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि F is equal to Q not into E। मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूं इस बात के लिए, मैं आपको बताऊं कि आज मेरे को एक नई बात पता चली है। वो क्या है कि जब मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस बात का मुझे पता चल चुका है। मान लीजिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ये देखो भाई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो बच्चा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए कि इसकी स्ट्रेंथ जो है, मैं मान लेता हूं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू मैंने आपको दे दी, इज इक्वल टू 10^7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इस स्ट्रेंथ में मैंने एक बोल रख दी, ये मैंने एक बोल रखी है, ऐसी ऐसी एक बोल है, ठीक है, जिसके पास है 100 free neutrons हैं, बताओ 100 free neutrons, electrons, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता। ठीक है, तो आप ले लीजिए 10^10 free electrons ले लो, चलो कोई बात नहीं, 10^10 free electrons हैं, तो ये जो बोल है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, सीधा पता चल गया मुझे F is equal to Q not into E, strength of electric field तो given है 10^7। अब Q not चार्ज कैसे निकालते हो, चार्ज निकालते हो N E से, N कितना दे रखा है, number of free electron कितना है 10^10, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10^-19, तो ये कितना बना 1.6 × 10^-9 Q
कूलम चार्ज इतना बन गया, तो ये चार्ज की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 1.6 into 10 raise to power minus 9, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दे रखी है 10 raise to power 7, तो ये आपके पास बचा 1.6 into 10 raise to power minus 2, ये बचा आपके पास 0.016 न्यूटन आंसर। देखो कितना फटाक से आंसर कर दिया ना आपने। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना बच्चा लोग, तो फिर आपके न्यूमेरिकल को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल तब प्रॉब्लमेटिक होता है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो अच्छे तरीके से, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ठीक है भाई। अब इसी बात के साथ आगे चलते हैं। देखो बच्चा, अब मैंने आज जो सीखी है बात वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी वैल्यू मैं बार बार बता रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यहीं से मैंने सीखा F is equal to Q naught into E के बारे में मैंने बातें करी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब इसकी एप्लीकेशन में मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, किस तरह का फॉर्मेट आपको यूज करना है वो बात मैं आपको बताऊंगा, और कैसे कैसे आप न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो चीजें मैं आपको समझा के चलूंगा, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल्स जो यहाँ पे बनाने होंगे वो कैसे न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे, चलो उस पर बात करते हैं। पहले मैं अपना एक बोर्ड बना लेता हूँ अच्छा सा, ठीक है। ये देखो जी, अलग ही कलर का बोर्ड लेके आया हूं मैं, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल कराना है आपको अच्छे अच्छे, ठीक है। इसमें जो पॉपुलर न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के सीबीएसई में जो आते होते हैं, उस तरह के न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा। आप तो जितने भी न्यूमेरिकल्स के स्टाइल में बताता होता हूँ ना बच्चा, प्लीज उसको नोट कर लिया करो यार, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें बताता होता हूँ जो बड़ी ही काम आती है, ठीक है। एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में बात करी गई है, एक तो इलेक्ट्रॉन को फोल्ड किया गया है, इलेक्ट्रॉन को गिराया गया है, और एक न्यूट्रॉन को गिराया गया है। अब देखो भाई, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। हम बड़े ही क्लियर रहते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए, ठीक है। देखो बच्चा लोग, थोड़ी सी आवाज आएगी आपको, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि बाहर थोड़ा वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, तो इस करके थोड़ी आवाजें आएंगी बेटा, ठीक है। कारपेंटर वगैरह लगे हुए हैं, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल करिए, और आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर लूंगा, और सभी बच्चों की, जितने बच्चे प्रेजेंट बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनकी अटेंडेंस आगे फॉरवर्ड भी कर दूंगा, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल डेट्स आ चुके हैं, प्लीज अब आप अपने आप को फोकस कर लीजिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, सभी बच्चे इस बात को बड़ा ध्यान रखें। देखो बच्चा, आपको ना ऐसी बात करी जाएगी कि इन दोनों के बीच दो प्लेट्स जो लगी हैं, हालांकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर केस में रिवर्स करी है, एक डायरेक्शन अलग है, दूसरी डायरेक्शन अलग है, इन दोनों के बीच, दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ये एनसीईआरटी का बड़ा फेमस न्यूमेरिकल है, ये मेरे को रट्टे लगे पड़े हैं इसके, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ गिवन है ना, वो है यहाँ पे 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना बच्चा, ठीक है। अब एक सिचुएशन में एक न्यूट्रॉन को गिराया जाता है, प्रोटॉन को गिराया जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता ना कोई, अच्छा एक सिचुएशन में प्रोटॉन को गिराया जाता है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन को गिराया जाता है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे तो यहां से फेंकना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहां से फेंकना पड़ेगा तभी, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा तभी फेंका जाएगा ना, नहीं तो ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, अगर यहां रखा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चिपक जाएगा। यहां से हमने प्रोटॉन को क्या गिराया, नीचे गिराया, ठीक है ना। अब दोनों केसेस में हमें क्या निकालना है, हमें दोनों केसेस में टाइम निकालने हैं कि कितने कितने टाइम हमें लगे। देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन जब फॉल कर रहा है यहां पे तो उसके लिए टाइम निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो, और प्रोटॉन जब फॉल कर रहा है तो प्रोटॉन के लिए टाइम निकाल सकते हो, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया जी, है ना, और ये हो गया जी आपका प्रोटॉन, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि आपको जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, आपको मान लो कि ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो वाई ले लो जी, वाई 1.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है जी, वाई 1.5 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर लो, 1.5 into 10 raise to power minus 2 मीटर कन्वर्जन करके चल पड़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दे रखी है जी मैंने 2 into 10 raise to power 4 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है जी। अब आप मेरे को बताइए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना ही चार्ज होता है ना, ठीक है। अगर मास की बात करें तो मास कितना होता है उसके पास, 9 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम होता है, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ आपका एफ तो क्यू नोट इंटू ई के बराबर भी होता है क्योंकि ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, तो एफ इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई के बराबर भी होता है। तो यहां से क्यू नोट इंटू ई दैट इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ई बाय एम आ गया, आ गया। क्यू नोट का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 2 × 10⁻⁴, और डिवाइड बाय मास कितना है उसका, 9.1 × 10⁻³⁻, ठीक है। आप एक्सेलरेशन निकाल लो यहां से, एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा यहां से 10⁻⁹, ये 35 ऊपर आ जाएगा, 35 ऊपर आ गया 9, 16 × 2 = 32, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग, आप मैं लगभग ले रहा हूं बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो अगर मैं लगभग लूं तो ये 3 × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया बच्चा लोग, है ना। क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकालोगे, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे गिराया गया तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी, तो एस इज इक्वल टू क्या बन गया, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो है, टाइम निकालना है, तो टाइम टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2s अपॉन a, 2s, s डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 × 10⁻²⁺ डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी आपके पास कितना है, 3 × 10⁻⁵, ठीक है। आपके पास ये टाइम t स्क्वायर आ गया, तो t इज इक्वल टू इस पूरे का अंडर रूट ले लो, ले लिया। तो ये टाइम, पहला टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन या कौन फॉल गया है, इलेक्ट्रॉन फॉल कराया था कि, हाँ इलेक्ट्रॉन फॉल कराया था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन फॉल कराया उसके लिए पहला टाइम आ गया आपके पास। अब दूसरा टाइम निकाल लो जिसमें प्रोटॉन, अब प्रोटॉन वाले में डिफरेंस क्या होगा, आप सीधा सीधा पूछ लो ना, सर जी इतनी रामायण बताओ इससे अच्छा बता दो आप डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस यही होगा बच्चा लोग, देखो डिस्टेंस सेम है आपका, वाई की वैल्यू सेम दे रखी है आपको, बिल्कुल दे रखी है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दे रखा है, सेम दे रखा है, चार्ज उसके ऊपर भी प्लस हो जाएगा बस, लेकिन मास में डिफरेंस मिलेगा, मास में डिफरेंस मिलेगा तो एक्सेलरेशन में मिलेगा। तो मास, प्रोटॉन का मास कितना होता है, सभी बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से प्रोटॉन का मास कितना होता है, मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, सोच के देखो मास कितना होता है उसका, 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, ये मास होता है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा क्यू नोट इंटू ई डिवाइड बाय एम, ठीक है ना। तो यहां से जैसे कि उसकी वैल्यू आई थी 10⁻⁴ कितना आया था, 15 आया था, यहां पे एक्सेलरेशन लगभग 10⁻½ आ जाएगा, 3 कम आ जाएगा, ये 27 और 3 30, 3 के लगभग कम कर दिया मैंने, तो 10⁻½ के लगभग आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस ठीक है। एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हाफ, s कितना है 1.5 × 10⁻²⁻², ठीक है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन कर दो 10⁻½, दिस इज इक्वल टू t2 का स्क्वायर, तो t2 इज इक्वल टू क्या कर लोगे, t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ले लो बच्चों, ठीक है ना, अंडर रूट लेके टाइम निकाल लो। ये बड़ा ही पॉपुलर न्यूमेरिकल रहा है जो मैंने आपको करवाया, ये न्यूमेरिकल से आपको समझ में आया होगा कुछ हल्का फुल्का, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल और बना के दिखाता हूँ, अच्छा न्यूमेरिकल बनाऊंगा इस बार मैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, ठीक है, जिससे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो बच्चों जो बातें मैं बोल रहा हूं ना वो साथ साथ लिख लिया करो बेटा, अगर साथ साथ आप उस चीज को नोट नहीं करोगे तो वो बेनिफिशियल नहीं बनेगी आपके लिए। अब देखो मान लो कि, हाँ जी गुरलीन कौर बोलो बच्चा, बोलो बेटा, कोई डाउट है तो अनम्यूट करके बोलो बेटा, कोई डाउट है तो अनम्यूट करके बोलो बच्चा, कोई बात नहीं मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ जी इस बार का कलर हम ले लेते हैं, ठीक है जी, ब्लैक बोर्ड बनाएंगे इस बार, ठीक है। ये लो जी ये हमारा बन गया जी बोर्ड।
अच्छा जी, अब हमें बनाना है जी न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल हम बनाएंगे। देखो बच्चा, ये न्यूमेरिकल जो मैं बनाऊंगा ये भी बड़ा ही पॉपुलर है, ठीक है, बड़ा ही मशहूर न्यूमेरिकल मैं बना के लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, और बहुत बार आया भी है, ठीक है। अब इसमें दो तीन तरीके से आया है, जो मैं तरीका आपके सामने लेके आ रहा हूं वो बड़ा ही मतलब इजी वे है, ठीक है। अब देखो, मान लो आपको ये बात कह रखा है कि एक स्फेरिकल बोल है आपके पास, एक स्फीयर है, ऐसा है एक स्फीयर, ठीक है। इस स्फेरिकल बोल के पास 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, मान लो दे दिया आपको 6 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, ठीक है। अब इसका जो मास है वो मास मैंने आपको दे दिया 1 ग्राम, ठीक है, इसका मास मैंने आपको 1 ग्राम। देखो मैं कहीं ना कहीं इसको जोड़ूंगा अपने उसी कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का मिला है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट E = F/Q0, मैं इसी कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट करके आपको दिखाऊंगा बच्चा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूं, इसमें मेरे को एक स्फीयर दिया जिसका मास है 1 ग्राम, जो चार्ज कैरी करता है कितना, प्लस 6 माइक्रोकूलम का चार्ज कैरी करता है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंड कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से सस्पेंड कर देता हूं मैं, ये देखो भाई बच्चा लोग, मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे एक थ्रेड की हेल्प से, एक धागे की हेल्प से यहां सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अब धागे की हेल्प से किया है ना, तो एक बवाल और हो जाना है अब यहां पे, बताओ क्या। आपने सोच भी लिया होगा वैसे ये बात कि टेंशन विल ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स दिस सपोर्ट, ये देखो मैंने टेंशन भी लगा दी, ठीक है ना जी, ये मैंने लगा दी टेंशन। अब इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ना वो भी आपको गिवन है, वो है आपके पास 400 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना, 400 न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन मैंने आपको बता दी वो बता दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये वाली डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है जी, ये भी बवाल हो गया। अब इसने कहा कि आप टेंशन बता दो स्ट्रिंग, ठीक है ना, टेंशन बता दो स्ट्रिंग में, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन में उसने ये भी कहा कि अगर चार्ज को मैं माइनस कर दूं तो भी स्ट्रेंथ बता दो, अगर नेगेटिव कर दूं तो भी स्ट्रेंथ बता दो, चलो कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो बच्चा, एक चीज तो मुझे क्लास 11 से पता चल गई थी कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जहां जहां मेरे को वेट दिखा ना वहां वहां मैंने वही डायरेक्शन दिखाई, मैंने कहा अरे सुनो वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम जी, एम आपके पास 1 ग्राम मतलब 10^-3 किलोग्राम इंटू 10 यानी कि 10^-2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू होता है क्यू इंटू ई होता है, चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज दे रखा है आपको चार्ज 6 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है -6, और ये है बेचारा 400, तो ये बन गया बच्चों 24 × 10^-4 न्यूटन, मतलब ये जो फोर्स है ना ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, खींचेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर बैठा है पॉजिटिव चार्ज, नीचे बैठा है नेगेटिव चार्ज, और इसकी डायरेक्शन बन गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है जी, ठीक है। यानी कि दो फोर्स तो नीचे लगी और टेंशन लगी ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लग गई, वेट भी नीचे लग गया, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है क्यू इंटू ई, जिसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है 24 × 10^-4, और mg की वैल्यू आपने निकाल रखी है 10^-2, है ना, प्लस करो भाई प्लस करो, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया क्या, इसको 10^-2 में कन्वर्ट कर लो, -4 में उसको कन्वर्ट कर लो चाहे, तो 124 × 10^-4 आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लो यार, ये तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं 10^2 से मल्टीप्लाई 10^-2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो -2 - 4 हो गया, 10^2 का मतलब 100, ये दोनों तरफ पावर देखो सेम आ जाएंगी, तो 100 + 24 = 124, ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1.24 × 10^-2 न्यूटन, है ना भाई। अब आप ये बात सोच के देखो कि अगर ये माइनस चार्ज होता तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता,
इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता वो इस डायरेक्शन में लगता, ठीक है जी। तो अब उस सिचुएशन में T plus Fe should be equal to mg, and in that situation T becomes equal to mg minus Fe. अगर mg minus Fe हो जाता तो यहीं से देख लो यार वैल्यू क्या आ रही है आपके पास टेंशन की, ठीक है ना, वो यहीं से आप देख लो और कैलकुलेट करके बता दो आप मेरे को कि क्या वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये बात तो थी, आपने एक रोप से सस्पेंड कर दिया, ठीक है, आपकी बात हमने फिर से मान ली। अब एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे मैं इसके मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ट्रीट करता हूं, थ्री फोर्सेस में लगाता हूं और तीनों फोर्स को मैं बैलेंस करता हूं, यानी ये कॉन्सेप्ट किसका आ रहा है, थ्री फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। कॉन्सेप्ट अगर थ्री फोर्सेस का आ रहा है तो मेरे को लेमीज थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो हेल्प मैं कैसे लूंगा, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो यहां तक अगर ये न्यूमेरिकल क्लियर है तो आगे वाला न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बच्चों, मेरे साथ साथ जो न्यूमेरिकल कर रहा है ना, मैं ये 100% श्योर हूं जो बच्चा मेरे साथ चल के न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश कर रहा है ना, उसका कोई न्यूमेरिकल रुकेगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, दौड़े गए उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो जो बच्चा साथ साथ कर रहा है, दिल से साथ साथ कवर करते जाओ, आपका कोई न्यूमेरिकल अटकेगा नहीं, ठीक है। चलो जी, सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं बच्चा पार्टी, सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट कैसे लिया, सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट को लेने के लिए मैंने कुछ इस तरह की बातें करी हैं, ठीक है। देखिए जी, ये एक रोप, ये रोप की जो लेंथ है वो भी मैं आपको दे रहा हूं अभी, वो लेंथ 1 मीटर दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, 1 मीटर या 2 मीटर 3 मीटर ले लो कोई बात नहीं, जितनी आपको चाहिए वैल्यू आप ले लो, ठीक है जी। ये पूरा जेड ब्लैक ही लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखो जी, ये आपके पास एक मास है, ठीक है, उसको हमने सस्पेंड कर रखा है जी, लटका रखा है यहाँ पे, और ये अपनी मीन पोजीशन से, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन मान लेते हैं बच्चा लोग, ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन मान लेते हैं, और यहां उसकी ये पोजीशन हम शो कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये कहां से लेकर कहां तक कैसे कैसे गया, यहां से लेकर यहां तक ऐसे 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 आप बोल रहे हो, ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि ये अपनी मीन पोजीशन से जब एक्सट्रीम पोजीशन पे गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गया, ठीक है, इस पे ना एक फोर्स लगी, ठीक है, और उस फोर्स को इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगी F is equal to Q into E, उसके कारण वो चला गया, ठीक है। इसका मास जो है वो आपको दे दिया 20 ग्राम, इसका मास आपको 20 ग्राम दे दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको दे दी 10^9 न्यूटन पर कूलम, और इसके पास चार्ज दे दिया आपको, कह दिया कि इसके पास है 6 माइक्रो कूलम का चार्ज, ठीक है, आपको कह दिया। तो यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगी ये चीज, ठीक है। ये देखो जी, ये है क्यूई फोर्स जो लग रही है, ये क्यूई वाली फोर्स है, ठीक है जी। अब एक चीज देखो, इसका वेट कहां एक्ट करेगा, वेट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट, ठीक है ना, ये वेट की डायरेक्शन होगी, और टेंशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ठीक है, ये आपके पास किसकी डायरेक्शन बनेगी, टेंशन की डायरेक्शन बनेगी। यानी कि अब आपके पास तीन फोर्स आ गई, एक तो आ गई बच्चा क्यूई, है ना, और दूसरी आ गई भाई बच्चा टी टेंशन, और तीसरी आ गई भाई बच्चों वेट mg। अब मान लो मैं कहता हूं ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सिंपली मेरे को टेंशन बताना है, टेंशन कितनी होगी। तो कोई बच्चा आप में से, कोई समझदार सा बच्चा बैठा है, कोई आंसर कर सकता है मुझे कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे को बता सकता है। देखो भाई, टी को छोड़ दो, टी को छोड़ के क्यूई और mg के बीच एंगल कितना दिख रहा है आपको, मुझे तो सीधा सीधा 90 डिग्री दिख रहा है, और 90 डिग्री ही है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल मैं मान लेता हूं, दैट एंगल इज अल्फा, एंड इन दोनों के बीच का एंगल मैं मान लेता हूं बीटा। अगर मैं लेमीज थ्योरम का यूज करूं ना, तो टेंशन डिवाइड बाय
क्या टेंशन डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, अदर टू कौन है, क्यू ई और एम जी, और उनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री. दिस इज इक्वल टू, दूसरी चीज कौन है, क्यू ई, क्यू ई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, इसको छोड़ दो और दोनों के बीच एंगल देखो बिटा, दैट इज इक्वल टू, तीसरा कौन है, तीसरा एम जी, एम जी डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू, दैट एंगल इज अल्फा. अब अल्फा और बीटा की वैल्यू देख लो, कैसे देखोगे अल्फा और बीटा की वैल्यू, अभी बता देता हूं आपको कैसे देखोगे. ठीक है, इसको जी आगे बढ़ा लो. ठीक है जी, अब ये वैल्यू है और आपकी जो ये वैल्यू है, आपकी ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30-30 होनी चाहिए ना. देखो भाई एक लाइन है ऐसे पास कर रही है, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल, कौन कौन से एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री. ये पूरा कितना था 90 डिग्री, ये पूरा कितना है 90 डिग्री, तो ये इन दोनों के बीच एंगल अल्फा कितना बन गया 90 + 30 = 120. मेरा तो 120 से ही काम चल जाएगा. पूछो कैसे भाई, मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख लूंगा ना, तो टी अपॉन साइन 90 किसके बराबर है, टी अपॉन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू एम जी अपॉन साइन, अल्फा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री है ना, तो साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो टी इज इक्वल टू एम जी, एम कितना है, एम 20 ग्राम है ना, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो 20 × 10⁻³, जी की वैल्यू कितनी होगी 10, साइन 120, साइन 90 + 30, साइन 90 + आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो टी इज इक्वल टू कितना बना 0.2 डिवाइड बाय √3/2. सॉल्व कर लो भाई बच्चा, ठीक है ना, सोल्व करते ही आपके पास टेंशन आ जाएगी न्यूटन में. तो दिस इज द वन वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल वेयर थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. देखो बच्चा, अगर थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो आप इस तरह का कॉन्सेप्ट फटाक से यूज कर सकते हो. अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक न्यूमेरिकल और बाकी बचा है, जो न्यूमेरिकल बहुत बार आता है, जिस तरह के न्यूमेरिकल रिपीट होके आते होते हैं. ठीक है, देखो बच्चा, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मैंने कराया है, और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कराया है, मैंने पीछे पीछे उसके न्यूमेरिकल्स करा दिए. ठीक है, तो आज आप घर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितने न्यूमेरिकल्स मिले सारे सर्च कर लेना और उन पे वर्क कर लेना, और फिर आगे मुझसे पूछना कि जगत सर इसमें डाउट आ गया, बताओ कैसे सॉल्व करें, तो मैं तैयार हूं बेटा बताने के लिए. मैं आपको बहुत इजीली, बहुत ही तरीके से मैं आपको समझा दूंगा. ठीक है, आप टेंशन ही मत लो. ठीक है, तो आज की क्लास में पहले अटेंडेंस मार्क कर लेता हूं, क्योंकि यहां पे जो बच्चे बैठे हैं वो थोड़ा सा उनका मतलब इंपॉर्टेंट टाइम मैं लेता होता हूं, तो उनका बेनिफिट भी होना चाहिए. तो ये बेनिफिट यही है कि उनकी अटेंडेंस बहुत ही अच्छे तरीके से मैं मार्क करवा दूं.